नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। और मेरा जो सॉफ्टवेयर है, ये एमी ब्रोकर एंड मेटा ट्रेडर दोनों के ऊपर बेस करके ही काम करता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना रिजल्ट आपको नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ही आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। देखिए, आज को मैं कुछ लाइव वीडियो बना रहा हूँ क्रूड ऑयल के ऊपर बेस करके। तो आज का जो बेसिकली वीडियो है, ये छोटा टाइम फ्रेम के ऊपर बेस करके कैसे आपको एक अच्छा प्रॉफिट निकल सकता है, उसका ऊपर बेस करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, ये क्रूड ऑयल का एक 5 मिनट के ऊपर बेस करके चार्ट में लगाया हूँ। तो ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं, ये MT4 का ऊपर बेस करके काम करता है। तो MT4 का ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें हम लोग मार्केट का जो स्कैल्पिंग टेक्निक है उसको डाल के रखे हैं, उसका साथ साथ मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल का थ्योरी भी डाल के रखे हैं, और थोड़ा कॉल को फिल्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि कॉल तो मार्केट में बहुत सारा आता है। इसका मतलब ये नहीं जो हर एक कॉल ही अचीव होता है। हम लोग देखते हैं कुछ कॉल अचीव होता है, बहुत सारा कॉल अचीव नहीं होता है। तो कॉल आइडेंटिफिकेशन इस मार्केट के लिए सबसे चैलेंजिंग मैटर होता है। जो कॉल मार्केट में भी बन रहा है वो आपके लिए कितना जेन्युइन है या नहीं। तो देखिए, चार्ट के अंदर आपको ये जो ब्लू कलर का एरो दिखाई दे रहा है, ये आपका बाय का कॉल है, और जो रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है, आपका सेल का कॉल। जब भी कोई सिग्नल बनेगा, ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आ जाएगा साउंड के साथ। जो चार्ट आपका सामने खुला है उसमें भी, जो चार्ट आपका सामने खुला नहीं रहेगा उसमें भी कोई कॉल बनेगा तो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन दे देगा। अब जो मेन चीज़ होता है वो है प्रेडिक्शन। जैसे देखिए, सबसे पहले ये जो बाय का कॉल बना था, तो ये जो बाय का कॉल बना था, इसका वैल्यू लगभग मैं अगर देखूंगा तो इसका वैल्यू था 4519 का आसपास। तो इस टाइम ये जो बाय का कॉल बना था, ये कॉल कितना जेन्युइन है उसको समझने के लिए, जस्ट आपको मिडिल में आपको एक लाइन दिखाई दे रहा है जो स्मूथली ग्रीन कलर का धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो इसका मेनली ट्रेंड लाइन है। तो बाय का कॉल में इस ट्रेंड लाइन का कलर को ग्रीन होना है, और मिडिल में आपको कुछ वायलेट टाइप का कैंडल दिखाई देगा जिसे हम लोग ट्रेंड कैंडल कहते हैं। वायलेट मीन्स बाइंग ट्रेंड कैंडल। तो जब भी कोई बाय का कॉल बनेगा, आपको जस्ट ये दो कंडीशन को मैच करना है, जो मिडिल का जो ट्रेंड लाइन है वो ग्रीन है या नहीं, और मिडिल का जो कैंडल है वो वायलेट है नहीं है या नहीं। अगर ये दो कंडीशन मैच होता है, इसका मतलब है ये कॉल आपके लिए काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग कॉल बन सकता है, जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे भी सकता है। तो इसको देखिए, मैं कैलकुलेशन करके देख रहा हूँ, तो यहाँ पर लगभग आपको 70 पॉइंट का एक प्रॉफिट दे के गया था ये जो बाय का कॉल है। देखिए, मेरा कर्सर पॉइंट में उसका जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, 77 पॉइंट का एक अच्छा प्रॉफिट दे के गया। तो उसके बाद देखिए, जो बाय का कॉल यहाँ से लेके, देखिए ऑटोमेटिकली इसका कलर यहाँ पर ग्रीन से रेड हो गया। तो ये जैसे ग्रीन से रेड हो जाएगा, इसका मतलब है यहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, और यहाँ से आपका पोजिशन को छोड़ दे रहा है। उसके बाद आपको वेट करना है फिर से कोई फ्रेश कॉल के लिए, जैसे सेल का कॉल। जैसे उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर एक सेल का कॉल दिया था, तो सेल का कॉल में जस्ट सेम कंडीशन होगा, मिडिल का लाइन का कलर रेड हो जाएगा, और मिडिल का जो कैंडल है उसका कलर भी रेड हो जाएगा। तो ये जो सेल का कॉल दिया था, लगभग इसका वैल्यू था आपका 4572 का आसपास। तो अगर देखा जाए तो इसका बाद वाला कैंडल से भी मैं अगर कैलकुलेट करूँगा, तो यहाँ से लेके लगभग यहाँ तक ये आपको एक मिनिमम देखिए 33 दिखा रहा है, तो 30 पॉइंट का एक मिनिमम प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है। अभी देखिए, इसका जो बाइंग का ये जो सेलिंग का कॉल चल रहा है, उसका देखिए लाइन ऑलरेडी ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये आपको ऑलरेडी एग्जिट करने के लिए बोल चुका है, जो शायद यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स होने वाला है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये टोटली स्कैल्पिंग के ऊपर बेस करके काम कर रहा है, और इसमें आपको जस्ट ट्रेंड फिल्ट्रेशन का जो टेक्निक है, इसको जस्ट फॉलो करना है कॉल को फिल्ट्रेशन करने के लिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही ऑथेंटिकेट एंड सिंपल एक स्ट्रेटजी है, आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे राइट साइड में आपको और भी एक दो इंडिकेटर दिखाई देगा, जहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है स्ट्रॉन्ग अप। मार्केट में अभी मोर देन 90% बायर्स है, ओनली 10% सेलर्स है, मतलब ऑलरेडी मार्केट में बायर्स का परिमाण स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अलग अलग टाइम फ्रेम में किसका पोजीशन स्ट्रॉन्ग है वो भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें जस्ट तीन चीज़ को आपको थोड़ा सा नोटिस में रखना पड़ता है, एक है सिग्नल, एक है मिडिल का लाइन, और एक है मिडिल का कैंडल। और कुछ यहाँ पर ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं पड़ता। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी सिग्नल रीपेंटिंग नहीं है। जो सिग्नल आप देख रहे हैं, जो बाय का कॉल है, सेल का कॉल, जहाँ पर आप देख रहे हैं वहीं पर वो कॉल बना था, और एक बार कॉल आने के बाद वो कॉल कभी चेंज भी नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ऑब्वियसली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम से भी आपको इस तरीके का कंटिन्यूसली वीडियो मिलता रहे। और अगर आपको इस इंडिकेटर रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है, या फिर आपको मेरा चैनल रिलेटेड और भी वीडियोस देखना है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। देखिए, या आप यहाँ पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं, अगर नंबर बिजी रहा तो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज भी छोड़ सकते हैं, मैं कॉल बैक कर लूँगा। या फिर अगर आपको मेरा
इस मार्केट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखना है, देन आप यूट्यूब में जस्ट सर्च कीजिए राहुल सरकार शेयर मार्केट बोल के, एकदम टॉप में आपको मेरा चैनल दिखाई देगा। आप चैनल के अंदर जाइए, आपको बहुत सारे वीडियोस दिखाई देगा, आप 5-10 वीडियो देख लीजिए, आपका मन में जितना भी क्वेरीज आ रहा है आशा करता हूँ क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपका मन में कोई डाउट या क्वेरीज रहेगा तो आप मुझे एक बार फ़ोन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।